अभी आपने ये देखा कि सेकंड स्टेटमेंट का यूज कैसे किया जाता है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाया, तो सेकंड स्टेटमेंट का यूज करना आप लोगों ने अच्छी तरह से सीख लिया। यस ओके सर, हाँ सर, मैं आपको सेकंड स्टेटमेंट यूज करके एक सम और दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ये सब सेकंड स्टेटमेंट यूज करने वाले सम से, आगे जितने सारे सम से सब सेकंड स्टेटमेंट यूज करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखाता हूँ, इसमें आपको सेकंड स्टेटमेंट यूज करना दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट x+1 एंड x-1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 4 है ना, बाई क्वाड्रेटिक। तो दो फैक्टर हैं और वैल्यू भी आपको दो ही निकालने बोला, ध्यान रखना। जब एक फैक्टर देगा तो एक ही वैल्यू पूछा जाएगा आपसे, और दो फैक्टर देगा तो दो वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये सम करना दिखाता हूँ। मैं पहले पॉलिनोमियल कॉपी कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। सर ये x+1 और x-1 gx का वैल्यू जी, जी एक्स के वैल्यू दोनों फैक्टर है, तो है ना? आप यहाँ पे पॉलिनोमियल ले लो, क्वेश्चन नंबर 6। पॉलिनोमियल को हम पी एक्स ले लेते हैं, पी एक्स बताया ना, कुछ और बताया इन्होंने, इन्होंने नहीं बोला कुछ, हम अपने मर्जी से पी एक्स लेते हैं। पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब उसके बाद +2x² -3x +2x² -3x प्लस ए ना प्लस बी प्लस प्लस ओके, ये पॉलिनोमियल है एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस 2x² -3x प्लस बी। ओके ये पॉलिनोमियल है, और डिवाइजर हमारे पास दो है ना, एक x+1 एक x-1। हियर x+1 एंड x-1 आर द फैक्टर्स, आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो अभी हमारा सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हमारा सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब आप जस्ट मेथड देखो इसको किया कैसे जाता है। हम पहले एक फैक्टर लेते हैं, सिंस हम एक एक फैक्टर लेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। सिंस x+1, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, अच्छा, सिंस x+1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, देयरफॉर मैं हमेशा ऊपर एक डॉट नीचे दो डॉट, ठीक है, देयरफॉर जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और रिमाइंडर मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट, बताओ क्या वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट व्हाट, अगर हाँ -1 -1 इक्वल टू जीरो। अब आप इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो -1 पे निकालो और यहाँ लिख दो, सो एक्स टू द पावर 4 -1 टू द पावर 4, फिर प्लस ए एक्स क्यूब तो प्लस ए -1 टू द पावर क्यूब प्लस 2 -1 का स्क्वायर -3 -1 और फिर प्लस बी और इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये फैक्टर था इसलिए रिमाइंडर जीरो। अब सॉल्व करते हैं, -1 का पावर 4 है तो +1 क्योंकि पावर इवन है, -1 का क्यूब -1, -1 इंटू ए होता है माइनस ए, -1 का स्क्वायर +1, +1 इंटू 2 +2 एंड -3 इंटू -1 इज माइनस +3 और फिर प्लस बी इक्वल्स जीरो। एक मिनट, काफी हैंग हो रहा है स्क्रीन, कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, तो
तो 6 माइनस ए प्लस बी इक्वल जीरो। अच्छा अब आप एक काम करो, ये इक्वेशन आ गया, इसमें आपको ए और बी का वैल्यू अभी नहीं मिलेगा, एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक और फैक्टर बाकी है, उसे भी हम करेंगे। लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ इसमें क्या करना है। इसमें आप किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो, जैसे कि सपोज मैं बी का वैल्यू निकालता, तो वी का वैल्यू निकालने के लिए इसको और इसको दोनों को राइट साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो बी का वैल्यू मिलेगा। तो बी इज इक्वल टू माइनस ए जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस ए, एंड प्लस सिक्स जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस सिक्स। ठीक है, ये बी का वैल्यू मिला, नो डाउट ये ए के टर्म में मिला लेकिन ये बी का वैल्यू मिला। ये आप करके रखना, ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है, ये चीज आप करके रखना और इसे आप इक्वेशन वन मार्क कर दो, ये एक इक्वेशन वन है। अच्छा उसके बाद आप आ जाओ जो सेकेंड फैक्टर था, सेकेंड फैक्टर क्या था? x माइनस वन। हाँ, और x माइनस वन को भी हम लेते हैं, सिंस x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर रिमाइंडर इज अगेन जीरो। ये हम सेकंड स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, और रिमाइंडर मतलब वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट व्हाट, वैल्यू ऑफ वन। तो वन आप यहाँ डाल दो, ठीक है, अब पॉलीनोमियल में वन सब्स्टिट्यूट करो, वन टू द पावर फोर प्लस ए टाइम्स वन क्यूब प्लस टू टाइम्स वन, फिर माइनस थ्री टाइम्स वन प्लस बी इक्वल जीरो। ठीक है, वही पॉलीनोमियल जिसमें मैंने माइनस वन डाला था, तो माइनस वन जब डाला था ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, अब हमने वन डाल दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो वन का पावर फोर वन, वन का क्यूब वन, वन इंटू ए ए, टू इंटू वन टू, थ्री इंटू वन माइनस थ्री, और प्लस बी इक्वल्स जीरो। सो ए प्लस बी यहां पे आएगा, और कांस्टेंट क्या है, वन प्लस टू थ्री होता, थ्री माइनस थ्री जीरो, तो यहां सिर्फ ए प्लस बी इक्वल टू जीरो बचता, ठीक है, इतना ही बचा, ये जो वन प्लस टू थ्री और थ्री माइनस थ्री जीरो, ये खत्म हो गए। अच्छा अब आपको क्या करना है, आप करना है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब आपने जो इक्वेशन वन में बी का वैल्यू निकाल के रखा था ना ए माइनस सिक्स, उस वैल्यू को यहां पे मौजूद बी पे डाल देना है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो बी पे हम वैल्यू डालते फ्रॉम इक्वेशन वन ए माइनस सिक्स, ये हमने कहां से डाला, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन हमने यहां से सब्स्टिट्यूट किया। अब आप इसे सॉल्व कर दो, ए प्लस ए माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो आउटकम होगा टू ए इक्वल टू सिक्स को, माइनस सिक्स को ट्रांसपोज करो, तो आंसर थ्री। सिक्स डिवाइडेड बाय टू थ्री। अच्छा उसके बाद आप बी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, बी कितना था, बी था इक्वेशन वन में बी था ए माइनस सिक्स, है ना, और इसमें आप ए का वैल्यू डाल दो जो आपको यहां मिला, थ्री डाल दो, थ्री माइनस सिक्स कैसे माइनस नाइन, थ्री पॉजिटिव है ना और सिक्स नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस थ्री, तो इस तरह से देयरफॉर ए इज थ्री एंड बी इज माइनस थ्री, तो इस तरह से वैल्यूज निकाले जाते हैं। सर सम को एक बार पूरा दिखाइए ना, लाइक ऊपर स्क्रॉल करके, हो गए। ये मैं काम करता हूँ, आपको ये पूरा का पूरा सम आपको फोटो दे देता हूँ, ठीक है,
ओके ये पूरा सब मैंने आपको सेंड कर दिया, आप वहां से भी देख सकोगे। ओके सर। तो अब क्लियर हो गया पूरा कंसेप्ट अबाउट फैक्टर थ्योरम। तो अब ये पूरा जितने सारे सम्स हैं फैक्टर थ्योरम के ये आप लोग कंप्लीट कर लो। मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास से फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दूंगा, फैक्टराइजेशन और एलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है। आप लोगों ने क्लास 8 में भी फैक्टराइजेशन किया, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो हम वही फैक्टराइजेशन करेंगे, बस इसमें कुछ एडवांस लेवल के सम्स भी होंगे। तो तब तक आप लोग फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के सम्स अच्छी तरह से कर लो। रिमाइंडर थ्योरम का मैंने आप लोगों को वीडियोस दिया हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम आप वहां से अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो, और फैक्टर थ्योरम के सम्स भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। ये सारे फैक्टर थ्योरम के सम्स है आपके एनसीईआरटी के बुक से भी, आप फैक्टर थ्योरम के सम्स जो है उनको प्रैक्टिस कर लो अप टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अभी 4 और 5 मैंने समझाया नहीं, 4 और 5 फैक्टराइजेशन में। तो ये फैक्टराइजेशन का जब मैंने आपको वर्कशीट में से ये सम्स, ये वाले सम्स और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास, तो आप करना। ठीक है, और उसके बाद हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में चले जाएंगे। ओके सर, आपने अटेंडेंस लिया क्या? एक मिनट।